नमस्कार, साइकोलॉजी टॉक सीरीज में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सीरीज का आज यह चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए थे, आपने उन सभी को सुना और लाइक भी किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सीरीज को एंजॉय करते रहेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि साइकोलॉजी टॉक सीरीज मनोविज्ञान की जानकारियों की एक ऐसी श्रृंखला है जहां पर हम जानते हैं कि कैसे मनोविज्ञान की जानकारियों का उपयोग करके हम सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आप सभी इस सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहें। अगर आप वास्तव में सीरीज को पसंद करते हैं तो आप इसे अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर कर सकते हैं। और मैं आपके लिए बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी बात को लेकर परेशान हैं और आपको लगता है कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने का बड़ा आसान तरीका है, आप फेसबुक पर जाएं, वहाँ पर जोवियल लाइफ सर्च करें, पेज को ज्वाइन कीजिए और आप मेरे साथ जुड़कर अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी निश्चित ही पूरी हेल्प करूंगा। तो आज ये सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम सभी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैं करता हूं, आप करते हैं, आपके आसपास के लोग करते हैं, और जिसकी वजह से तो कभी कभी हम बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हर हमेशा की तरह पहले मैं आपके मस्तिष्क में कुछ इमेजेस लाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर हमेशा चीज़ों को नए तरीके से करना चाहते हैं। अगर वो घर में भी रहते हैं तो घर में चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। अगर वो कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों को बड़े सादगी से पहनते हैं। अगर कपड़ों को रखते हैं तो बड़े खूबसूरत तरीके से कपड़ों को रखते हैं। वो अगर कोई भी कार्य करते हैं बड़ी साफ सफाई से करते हैं। या फिर हम और भी चीज़ों को लें किसी भी तरीके से, तो कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने हर कार्य को कुछ ऐसे बेहद कुशल ढंग से करते हैं कि उस कार्य में जान आ जाती है और उसको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि किसी भी कार्य को इतने बेढंग से करते हैं कि पूरा मन खराब हो जाता है, उनसे गुस्सा भी आ जाता है। जैसे कि लोग अपने कपड़े तक ढंग से नहीं रखते हैं, अपने कपड़े पहनने का तरीका भी ढंग से नहीं समझते हैं, या फिर वो कुछ भी कार्य करते हैं वहाँ पर वो हर हमेशा नकारात्मकता ही लाते हैं, गंदगी लाते हैं, चीज़ों को किसी भी तरीके से रचनात्मक ढंग से नहीं करते हैं। तो इस तरह के लोग आपके आसपास निश्चित होंगे, और अब आपके मन में उन लोगों की कुछ पहचान, कुछ यादें भी आ गई होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं कि साइकोलॉजी में ऐसा क्या है कि मैंने आपको कुछ ऐसी याद दिलाई, तो मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। सिगमंड फ्रायड ने इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्तियों के बारे में कहा था, और कहा था कि ये जन्मजात होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो दो तरह से होती हैं। एक होती हैं लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसे हम कहते हैं इरोस। क्या? इरोस, लाइफ इंस्टिंक्ट। और दूसरी होती हैं डेथ इंस्टिंक्ट, जिसे हम बोलते हैं थैनेटोस। तो आपको ध्यान रखना है कि सिगमंड फ्रायड ने दो तरह की इंस्टिंक्ट को बताया था, नंबर एक पर इरोस, दूसरे पर थैनेटोस। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा लाइफ इंस्टिंक्ट इरोस के बारे में, ये क्या है और इसे अपने जीवन में उतार कर कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए, लाइफ इंस्टिंक्ट अर्थात इरोस के बारे में सिगमंड फ्रायड ने कहा था, ये ऐसी ड्राइव होती है जो कि जीवन को आगे बढ़ाती है। इसमें सेक्सुअल इंस्टिंक्ट भी आते हैं, इसमें प्लेजर भी होता है, इसमें रिप्रोडक्शन भी होता है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि लाइफ इंस्टिंक्ट अर्थात इरोस एक ऐसा इंस्टिंक्ट होता है, ऐसा ड्राइव होता है जो कि किसी मानव को जीवन में रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए
प्रेरित करता है। जैसे कोई व्यक्ति लोगों को प्यार करता है, मतलब लोगों से अच्छे तरीके से बोलता है, लोगों की केयर करता है, खुद की केयर करता है, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखता है, अपनी सेफ्टी करता है, अपने समाज अपने परिवार की सेफ्टी करता है ना। कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो लोगों में टेंडेंसी होती है सेल्फ केयर के बारे में, आसपास के लोगों के केयर के बारे में, अपनी चीज़ों को रचनात्मक तरीके से करने के बारे में, ये लाइफ इंस्टिंक्ट होता है, यानी जीवन को आगे बढ़ाने की एक प्रवृत्ति, जिसे हम इरोस कहते हैं। तो आपने निश्चित ही अपने आसपास के लोगों को देखा होगा जो कि किसी कार्य को हर हमेशा रचनात्मक तरीके से करते हैं, और ऐसे करते हैं कि उस कार्य में जान आ जाती है। तो अब आप सोचिए, क्या आप चीज़ों को रचनात्मक तरीके से करते हैं? क्या आप में ऐसी चीज़ है कि आप लोगों में प्यार बांट सकें? क्या आप में ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप लोगों में एक नया प्लेजर ला सकते हैं, एक नया हैप्पीनेस ला सकते हैं? सोचिए इसके बारे में। और इसके अपोजिट दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट, अर्थात थेनेटोस, यानी ऐसी मूल प्रवृत्ति जिसमें एग्रेशन ज़्यादा होता है, जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है, जिसमें सेल्फ हार्म होता है। अर्थात थेनेटोस ऐसी प्रवृत्ति होती है जो कि लोगों को एग्रेशन की ओर रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से लोग विनाशकारी हो जाते हैं, लोग सेल्फ हार्म करते हैं, वो किसी कार्य को भी अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, हर हमेशा नुकसान करने वाली बातें करते हैं। कितने सारे लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे। तो आप जरा सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए कि आपके अंदर इरोस अर्थात लाइफ इंस्टिंक्ट ज़्यादा मात्रा में है या फिर डेथ इंस्टिंक्ट थेनेटोस ज़्यादा मात्रा में। आप इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, और आप सोचिएगा कि कैसे आप अपने जीवन में कुछ नई हैप्पीनेस लाने के लिए लाइफ इंस्टिंक्ट को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का प्रयास कीजिए, निश्चित ही आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सर्टेन एज के बाद समझने लगते हैं कि चीज़ें कैसे हैं क्या है, तो निश्चित ही आप अपने इस क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। मानता हूँ कि आपके अंदर पहले से थेनेटोस ज़्यादा हो सकता है, तो कोई बात नहीं, अगर आप आज अवेयर हैं कि आपके अंदर थेनेटोस ज़्यादा है, आप एग्रेसिव रहते हैं, आप डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी के हैं, आप सेल्फ हार्म की कोशिश करते हैं, तो आप नए चेंजेस भी ला सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट, यह हमारे जीवन में ऐसे हिस्से हैं जो कि हमारे जीवन में हमारे डेली की लाइफ को रेगुलेट करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं, किसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित ही अब आप सोचेंगे कि आपको नए रचनात्मक तरीके से रहना है, तो आप लाइफ इंस्टिंक्ट को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। सो थैंक यू पूरा वीडियो सुनने के लिए।